मस्त है। बालाजी इनके टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 जनवरी तक की। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, या फिर आपके तरफ से कुछ जानने का, कुछ न्यूज़ आने का, कुछ सुनने का, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो इन्होंने बहुत दिनों से पेंडिंग रखा है, उस तरीके का कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार बंदा या बंदी कर रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। एट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ये कहीं बाहर काम करने जाने के लिए या फिर जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने के लिए तो इंतज़ार नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि बंदा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत सारा मेहनत करके फिनेंस को सही करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, बंदा या बंदी जो भी है ये मेहनत करने के लिए राज़ी है। अभी ये इस रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। देख लेते हैं यस किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, लेकिन ये इंतज़ार किस बात का कर रहा है, ये डिसीशन लेने का। देख लेते हैं फिर बाद में कार्ड आ जाए, फिर बाद में मुझे पूरा पता चल जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बंदा पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है बहुत मेहनत किया था उन्होंने, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिलना चाहिए, इस बात का बंदा इंतज़ार कर रहा है। साथ ही साथ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी बंदा इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आएगा, ये खुद को हील भी कर रहा है, इंतज़ार भी कर रहा है। ये चाहता तो है डिसीजन लेने की, चाहता ही या चाहती जो भी है, लेकिन ये ले नहीं पा रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो डिसीजन लेने के लिए जो वक्त, जो हालात चाहिए वो अभी नहीं है, इसीलिए अपने आप को रोक के रखा है। और ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है क्योंकि इनको लगता है कि पहले खुद को स्टेबल बनाना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। जब तक उनको अपनी स्टेबिलिटी ना मिल जाए तब तक ये बंदा या बंदी कुछ एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, तब तक ये रुका रहेगा। और ख़ास करके पैसों के मामले में इनका डिसीजन कुछ अलग मुझे दिखाई दे रहा है कि जब तक ये फिनेंशियल स्टेबल ना बन जाए तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम देख लेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। करंटली आप तो खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंट, आप ये सारा चीज़ खुद के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि खुद से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना, जैसे कि बालों का, कपड़ों का, जेवर की, ये सारी चीज़ आप करना चाहते हो अपनी मेहनत से। ऐसा नहीं कि कोई आपको ये गिफ्ट दे दिया या फिर कोई किसी से आपने गिफ्ट ले लिया, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप अपने तरफ से मेहनत करके अपना ख्याल रखना चाहते हो, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, अपनी खुद की लाइफ की जर्नी को आप अपने मेहनत से करना चाहते हो और अपने आप से प्यार करना चाहते हो। करंटली
देख लेते हैं, आपको देख के ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों। हो सकता है आप हो ही ऐसे इतना अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल या हैंडसम जो भी हैं, तो लोगों को आपको देख के ये लग रहा है कि ये इतना खुश, इतना सुंदर, इतनी बेपरवाह कैसे रह सकता है। देख लेते हैं द एम्प्रेस के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें, अगर हम एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें स्कॉर्पियो, तो देखेंगे कि क्यों ये एम्प्रेस के कार्ड आया है आपकी तरफ से, आप इतना बेपरवाह क्यों हो। 10 ऑफ कप्स, आप परिवार चाहते हो, आपका विश है आपका परिवार आपको मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आप चाहते हो कि इनके साथ आपका परिवार बन जाए। आप रेस्टलेस मूड में नहीं रहना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा परिवार के बारे में सोचते थे, अभी आप अपने बारे में सोचने लगे हो। द वर्ल्ड के कार्ड, यस, आप अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो घिसा पिटा जो सर्कल चल रहा था, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे थे, वो सही तरीका नहीं है। अभी आप अपने लाइफ को जीना शुरू किया है आपने, ऐसा आपको लग रहा है। करंटली आप किसी के प्रति एडिक्टेड भी हो, अट्रैक्टेड भी हो। हो सकता है आप पहले किसी के प्रति एडिक्टेड नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है जो आपके लाइफ में आता जाता रहता है, इसके लिए आप खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल बना के रख रहे हो। आपके लिए एक नया सर्कल शुरू हो गया है लाइफ का, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन आपके परिवार भी आपके साथ है, उसका भी ख्याल आपको रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आप ये सब कर रहे हो, ताकि आपकी जो पहले की जो आपकी जो नेचर थी, जो लुक था, जो आप जैसे थे, उस तरीके से आप रही नहीं रहना चाहते हो, आप खुद को बदलना चाहते हो। अब सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के मूड में चले आए हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते में हर वक्त जो भी बात होगी, जो भी जो कुछ भी होगा, क्लैरिटी के साथ होगा। बिना क्लैरिटी के ये रिश्ते में कोई भी कदम नहीं रखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये मुझे लगता है कि ये आपको स्टॉक करता है, ये बंदा या बंदी जो भी है। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी इसलिए चाहते हैं, मुझे लगता है उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आपका कोई सीक्रेट ये बाहर निकालना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे कोई बातें छुपा रहे हो जो उनको जानना चाहिए, और इस सीक्रेट को ये बाहर निकालना चाहते हैं, तभी ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको अपना घर, अपने घर की ब्रेड अर्नर समझते हैं। इनको पता है स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या फिर आप जैसे एक स्टेबल बंदा या बंदी को ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इस तरीके से अपने घर को, परिवार को संभाल सकता है या सकती है, इसीलिए ये आपको स्टॉक करता रहता है। इनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, उस छुपे हुए राज को भी ये निकालना चाहते हैं। कोई भी चीज़ ये आपसे नहीं छुपाना चाहते हैं, ना आप उनसे कुछ छुपाओ, ये धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहते हैं। पहले इस रिश्ते की शुरुआत कुछ भी रहा होगा, लेकिन बंदा इंतज़ार कर रहा है दोबारा से रिश्ते को दोस्ती से शुरू करने के लिए, जिसके लिए बंदा मेहनत भी कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, पैसे भी कमा रहा है, जोड़ भी रहा है पैसे को, और साथ ही साथ आपसे भी एक स्टेबिलिटी की उम्मीद ये कर रहा है या कर रही है। इनको ये लग रहा है कि कोई बात छुपा ना रहे, कोई सीक्रेट ना रहे इस रिश्ते में, जो भी होगा आमने सामने होगा, जो भी बातें होगी आप दोनों के सामने रहेगी, कोई किसी से कुछ छुपाएगा नहीं, और ये रिश्ता एक सुंदर और एक स्टेबल रिश्ता बन जाएगा, जिसको देख के लोगों को ईर्ष्या होगी कि इस तरीके का रिश्ता हमें भी चाहिए, ये ऐसा सोच रहे हैं। अभी हम देख लेंगे कि आप क्या चाहते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं।
देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर स्कॉर्पियो के साथ भी आप डील कर सकते हो। नाइन ऑफ कप्स, आप बात करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपका एक दुनिया बदल रहा है, आपकी दुनिया हो सकता है पहले आप इस तरीके से सोचते नहीं थे कि खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, खुद से भी प्यार करना कुछ होता है, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पहले हो सकता है आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ था या फिर नहीं है, तो अभी आप ये सारी चीज़ समझने लगे हो, आप एक्शन लेना चाहते हो। आप बहुत सारा बात करके अपनी परेशानी को क्लियर करना चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन आप चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, जो भी बात है वो सारी बातें आप क्लियर करना चाहते हो। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड, आपके लिए ये रिश्ता कोई विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये अगर आपको मिल जाए तो आपका कोई विश पूरा हो जाएगा। आप रिश्ते से हो सकता है मूव ऑन किए थे पहले, या फिर आपके पर्सन किया था रिश्ते से मूव ऑन, तो आप चाहते हो कि वो वापस चले आए, और अगर आपने मूव ऑन किया था तो आप इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए और बहुत सारी बात करके चीज़ों को क्लियर किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए एक दूसरे के साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके जो भी परेशानी है उसे ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा आप सोचते हो और आप चाहते भी हो। अभी आप मूव ऑन करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि हो सकता है पहले आपने मूव ऑन किया था, या फिर इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन इंतज़ार कर रहा है। अभी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो एक दूसरे के साथ, दिल खोल के बात करना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप रुके रहना नहीं चाहते हो। बहुत दिनों से अगर रिश्ता रुका हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आप एक्शन भी लेना चाहते हो। अभी हम देखेंगे 23 से लेके 29 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 23 से लेके 29 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्स, देखो अगर आप लोग दिल से सोचते हो, दिल के मामले हैं तो दिल से सोचना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे लगता है हर कोई अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करेगा, अपने अपने बारे में सोचने लगेगा, लेकिन आपको परिवार भी चाहिए, रिश्ते में आना भी है, आप लोगों का विश भी यही है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ गए हैं देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, अगर हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, ये रिश्ता पूरा होना तो है ही है। किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन, क्योंकि ये पहले अगर आप लोगों ने ये सोच के रखा था कि अपना इमोशन को कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ज़रूरत तो दोनों का ही है, दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप अपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे। देखो दोनों दो दो बार एस ऑफ कप्स के, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, मतलब दोनों ही अपना विश पूरा करना चाहते हो एक दूसरे के साथ रिश्ते में आके, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो अपना अपना इमोशन अगर पहले आप कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन अभी आप नहीं करोगे। आप एक दूसरे की मन की बात, वो क्या चाहते हैं आप सोचोगे, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन सोचेंगे आप क्या चाहते हो। अभी आप दूसरों की नज़र से, मतलब एक दूसरे की नज़र से रिश्ते को देखने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं कि आप अकेला डिसीजन ले लोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है अभी आप में है, आप लोगों में है, लेकिन धीरे धीरे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ख़त्म होता जाएगा और एक दूसरे की जो इमोशन है जो आप कंट्रोल कर रहे थे वो आप लोग नहीं करोगे और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके लिए
इनके साथ रिश्ते में आना स्कॉर्पियो, और आपकी पर्सन को भी आपके साथ रिश्ते में आना एक विश फुलफिलमेंट जैसा है, जैसे कि भगवान ने उनका कोई विश पूरा कर दिया, या फिर उन्होंने भगवान से कहीं ना कहीं आप ही को मांगा है, इस तरीके से सोचता है बंदा या बंदी, और आप खुद भी। रिश्ते की आउटकम पहले जैसा चल रहा था वैसा नहीं रहेगा, रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, बातें होगी, आप लोगों में कोई अपना इमोशन हाइट नहीं करेगा, जो पहले अपना इमोशन को हाइट कर रहा था दोनों के दोनों ही नहीं करेंगे, और दोनों का जो ज़रूरत है एक दूसरे के साथ आना और अपने अपने विश पूरे करना, विश तो वही है ना एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना, तो वो आप करोगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, देखो यूनिवर्स क्या कह रहा है आप लोगों से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको पता है कि ये आप लोगों का सोल कनेक्शन है, अगर नहीं भी पता है तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, इसको ख़राब ना करें, एक दूसरे को वक्त दे, रिश्ते को बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करें, जो हो सकता है आप लोग नहीं दे रहे थे। और अगर आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप किसी की मदद ले सकते हो, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, अगर आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो अगर आप किसी की मदद लेते हो तो ये अच्छा रहेगा, और अगर आप मदद लेते ही हो तो ऑपोजिट सेक्स की मदद लेना, अगर आप लेडी हो तो कोई जेंट्स की मदद से आपका कोई काम बनेगा, अगर आप जेंट्स हो तो किसी लेडी की मदद से आपका काम बनेगा, और आपको अपनी लाइफ को भी बैलेंस करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को भी बैलेंस करना पड़ेगा। मेहनत से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखनी पड़ेगी, और जो प्यार है, जो अपनापन है रिश्ते में, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि अभी शुरू हुआ अभी ख़त्म हो जाएंगे, ये जैसे मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, लेकिन इस बात को आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आप हमेशा एक दूसरे के नुक्स निकालते रहे, अगर आप हमेशा रिश्ते की पॉजिटिव साइड को ना देख के नेगेटिव साइड को देखते रहे, हमेशा परेशान रहोगे, तो ये रिश्ता सही होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप दोनों को मिलके कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिश्ता सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।